हेलो फ्रेंड्स, मैं राहुल वाबड़ोदिया डिजिटल आईटीआई यूट्यूब चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। दोस्तों, कई दिनों से हम इंतज़ार कर रहे थे कि आरआरबी की असिस्टेंट लोको पायलट की वैकेंसी कब आएगी। तो दोस्तों, आखिर आरआरबी असिस्टेंट लोको पायलट की वैकेंसी डिक्लेयर हो चुकी है। तो ये पीडीएफ है उसकी, तो हम देखते हैं उसमें क्या क्या दिया है। रिक्रूटमेंट फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट लोको पायलट एंड टेक्निकल कैटेगरीज। तो यहाँ पे लिखा है डेट ऑफ पब्लिकेशन 3/2/2018, यानी कि आज ही के दिन सैटरडे से स्टार्ट होगा। और डेट एंड टाइम क्लोजिंग उसका रहेगा 5/3/2018 अप टू रात के 12 बजे तक, यानी कि एक महीना है आपके पास अभी एप्लीकेशन को फिलअप करने के लिए। कौन सा फर्स्ट टेस्ट कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट रहेगी उसमें, फिर रहेगा यहाँ पे देखिए इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्टर, उसका स्केल क्या रहेगा। तो उसका स्केल रहेगा 19,900 रहेगा। कौन सी एज वाले अप्लाई कर सके, तो 18 से 28 तक। और रिजर्वेशन रहेगा 5 साल तक, जो अलग अलग कैटेगरी में रहेगा, एससी, 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 एसटी और ओबीसी में। भाई, सिलेक्शन प्रोसीजर आरआरबी की क्या रहेगी, तो उसमें लिखा है मिनिमम क्वालिफिकेशन मार्क रहेगा वेरियस कम्युनिटीज के लिए अलग अलग रहेगा। फर्स्ट टेस्ट, सेकंड टेस्ट स्टेज रहेगा उसमें। नेगेटिव मार्किंग रहेगी यहाँ पे, देयर शैल बी नेगेटिव मार्किंग फॉर इनकरेक्ट आंसर इन द फर्स्ट एंड सेकंड स्टेज। वो रहेगी नेगेटिव मार्किंग रहेगी 1/3। उससे वीडियो पूरा देखिए, मैं आगे बताने वाला हूँ कि कौन कौन से ट्रेड अप्लाई कर सकेंगे, पूरी डिटेल है इस पीडीएफ में। यहाँ पे जनरल इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है। वैकेंसी क्या क्या रहेगी, ये आई है पूरी टोटल वैकेंसी। देखिए दोस्तों, यहाँ पे ग्रांड टोटल देखेंगे आप यहाँ पे नीचे, तो पूरी टोटल वैकेंसी है 26,502। ओके, और स्टेज वाइज ये अलग अलग दी है। देखिए, ओपन के लिए ग्रांड टोटल रहेगा 9,230, एससी, एसटी, इस तरह से पूरी जो टोटल हम देखेंगे तो 26,502 वैकेंसी है पूरी। और अलग अलग में एडीआई में, एलएलडी, बीबीई। ओके, फिर यहाँ पे मेडिकल स्टैंडर्ड रहेगा A1, B1, B2, C1, फिजिकली अनफिट, ये सब रहेगा। देखिए दोस्तों, ये यहाँ पे साइट दी है www.indianrailwaygovernment.in, उस पर भी जाके आप पीडीएफ ये डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पे जो रिलैक्सेशन दिया है, एससी एसटी के लिए 5 साल, ओबीसी के लिए 3 साल, पीडब्ल्यू के लिए 10 साल, ये सब दिया है, आप देख लीजिएगा। अगर कोई वुमन है तो 35 तक वो अप्लाई कर सकती है। आगे देखेंगे एजुकेशन क्वालिफिकेशन, कैंडिडेट शुड हैव एजुकेशन टेक्निकल क्वालिफिकेशन इंडिकेट्स द फॉर, यानी कि एजुकेशन क्वालिफिकेशन में डिग्री, डिप्लोमा और आईटीआई, एनसीवीटी आपको अप्रेंटिस किया होना चाहिए। यहाँ पे लिखा है कंप्लीट एसीटी अप्रेंटिसशिप, यानी कि आईटीआई स्टूडेंट के लिए अप्रेंटिस किया होना चाहिए। यहाँ पे फीस रहेगी 500 रुपये, और एससी एसटी और ओबीसी के और पीडब्ल्यूडी के लिए रहेगी 250 रुपये। मोड्स ऑफ पेमेंट ऑफ फी हो रहेगा ऑनलाइन और ऑफलाइन, किसी भी बैंक में जाके आप चालान निकाल के फीस भर सकते हैं। आपको मैं मेन ही बताने वाला हूँ, एक सर्विसमैन के भी अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे डिसेबिलिटी का लिखा है, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट भी आपको देना पड़ेगा। हाँ, देखिए दोस्तों, फर्स्ट स्टेज में आपको क्या पूछेगा, रिक्रूटमेंट प्रोसेस। तो यहाँ पे रिक्रूटमेंट प्रोसेस में फर्स्ट स्टेज, सेकंड स्टेज, दो स्टेज रहेंगे।
तो फर्स्ट स्टेज होगा ड्यूरेशन 60 मिनट, यानी कि नंबर ऑफ क्वेश्चन रहेगा 60 75। उसमें से अलग अलग कैटेगरी को इतने परसेंट लाने होंगे, यानी कि ओपन वाले को 40% सिक्योर करने होंगे, ओबीसी वाले को 30, एससी को 30 और एसटी को 25% और पीडब्ल्यूडी वाले को 2% अलग। उसमें क्या पूछेंगे फर्स्ट स्टेज में, तो उसमें पूछेंगे मैथमेटिक्स। यहाँ पे सब कुछ लिखा है कि मैथमेटिक्स में क्या क्या आएगा, बोर्ड मास होगा, एलसीएफ होगा, ये सब देख लेना आप। फिर जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग पूछेंगे, जनरल साइंस के क्वेश्चन आएंगे, फिजिक्स फिजिक्स केमिस्ट्री के, और जनरल अवेयरनेस यानी कि करंट अफेयर्स वो होगा, एक साल पूरा नहीं होगा दोस्तों। फिर रहेगा सेकंड स्टेज, जिन लोगों ने फर्स्ट स्टेज क्लियर किया होगा उनको सेकंड स्टेज के लिए वो अप्लाई उनको सेकंड स्टेज के लिए क्वालिफाई हो गए, वो लोग शॉर्ट लिस्टिंग हो गए, देखो यहाँ पे लिखा है। तो सेकंड स्टेज दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा आपको असिस्टेंट लोको पायलट की जॉब लेने के लिए, यानी कि वो होगा 2-2.5 घंटे का पेपर होगा, पार्ट वन और पार्ट टू टूगेदर होगा। तो पार्ट वन में क्या पूछेंगे वो लोग, तो पार्ट वन में पूछेंगे 90 मिनट का होगा और 100 क्वेश्चन होंगे। फिर से उसमें 100 मैथमेटिक्स आएगा, जनरल इंटेलिजेंस आएगा, बेसिक इंजीनियरिंग साइंस और वो आएगा, और जनरल अवेयरनेस आएगा। और पार्ट बी देखिए दोस्तों, फर्स्ट स्टेज रहेगा सेकंड स्टेज, जो फर्स्ट स्टेज क्लियर करेंगे वो सेकंड स्टेज के लिए आएंगे, उसको पार्ट ए क्लियर हो, पार्ट ए में 100 क्वेश्चन आएंगे और पार्ट बी फिर उसको देना होगा। तो पार्ट बी होगा 60 मिनट का और क्वेश्चन होगा 75, क्वालिफाइंग मार्क यहाँ पे लिखा है 35%। तो पार्ट बी दोस्तों क्या होता है कि आपका जो कोर सब्जेक्ट होता है उससे रिलेटेड पूछते हैं। ओके, यहाँ लिखा है जो आई टी आई स्टूडेंट के द ट्रेड सिलेबस कैन बी ऑब्टेंड फ्रॉम द डी जी टी वेबसाइट, डी जी टी वेबसाइट यानी कि आई टी आई की वेबसाइट। ओके दोस्तों, यहाँ पे लिखा है देखो, इंजीनियरिंग डिसिप्लिन, इंजीनियरिंग में क्या इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग जिसने किया होगा वो अप्लाई करेगा। यहाँ पे देखिए, इलेक्ट्रिशियन, इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक, वायरमैन, वाइंडर, रेफ्रिजरेटर, आरएफएम यानी के, ये सब ट्रेड वाले अप्लाई कर सके। फिर मैकेनिकल में आप जब अप्लाई करोगे तो फिटर, एमएमबी, ट्रैक्टर मैकेनिकल, मैकेनिकल डीजल, टर्नर, मशीनिस्ट, आरएफएम, हीट इंजन, ये सब ट्रेड वाले अप्लाई कर सकेंगे। और जिन्होंने ये 10वीं के बेस पे भी आप 12वीं के बेस पे भी आप अप्लाई कर सकते हैं, यानी कि 12वीं में आपका साइंस हो, फिजिक्स और मैथ्स हो तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। फिर थर्ड रहेगा कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट, उसमें कैंडिडेट को 42 मार्क सिक्योर करने होंगे। अप्लाई कर सकते हैं, हाउ टू अप्लाई वो तो आपको पता ही होगा, ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। कौन सी साइज रखी रखने की जब आप अप्लाई करोगे, तो जेपीईजी में फॉर्मेट होना चाहिए, 15 से 40 KB तक होना चाहिए। ओके दोस्तों, मोड ऑफ एप्लीकेशन क्या रहेगा, हॉल टिकट क्या, वो सब तो आपको पता ही होगा। ये देखिए, डिटेल ऑफ वेरियस आरआरबी एंड देयर वेबसाइट एड्रेस आर इंडिकेट बिलो। देखिए देखो, ये सब सारे जोन है आरआरबी के, अहमदाबाद, अजमेर, अलाहाबाद, बेंगलोर, भोपाल, भुवनेश्वर, बिलासपुर, चंडीगढ़, ये सारे जोन है। यहाँ की अलग अलग आपको वेबसाइट भी दी है, यहाँ से भी आप अप्लाई कर सकते हैं और यहाँ से भी आपको माहिती मिल जाएगी। देखो, ADI मतलब अहमदाबाद, AL मतलब अजमेर, ALD मतलब इलाहाबाद, ये सारी हमको माहिती यहाँ पे दी गई है। देखो DGET यानी कि मतलब डायरेक्टर जनरल ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड ट्रेनिंग, ITI मतलब इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, NSC मतलब नेशनल अप्रेंटिस सर्टिफिकेट। ओके दोस्तों, ये सारे सर्टिफिकेट अब अगर आप ITI स्टूडेंट हो तो ये सारे सर्टिफिकेट, इनमें से कोई भी एक सर्टिफिकेट होना चाहिए आपके पास। अगर आपने कोई भी गलत इन्फॉर्मेशन दी तो आपकी एप्लीकेशन रिजेक्ट हो सकती है दोस्तों, यहाँ पे ऐसा ही लिखा है। फिर आपको ये कास्ट सर्टिफिकेट देना होगा, सर्टिफिकेट फॉर SC ST के लिए, ये फिलअप करके आपको देना होगा, ऐसे ही आएगा ओबीसी के लिए सर्टिफिकेट
फॉर्मेट, ये फॉर्मेट सारे दिए हैं। ये फिर होगा डिक्लेरेशन होगा अदर बैकवर्ड कास्ट के लिए। ये होगा इनकम का सर्टिफिकेट फॉर ओबीसी के लिए। ये सारे अलग अलग सर्टिफिकेट है। डिसेबिलिटी, सॉरी, अगर किसी को डिसेबिलिटी है तो उसको भी डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट ये देना होगा, ये फिलअप करके पूरा। तो ये पीडीएफ बहुत ही इम्पोर्टेंट है, आप डाउनलोड कर लीजिएगा दोस्तों। ये सारे सारे सर्टिफिकेट ही है। हाँ बस ये देखिए, असिस्टेंट लोको पायलट, यानी कि असिस्टेंट लोको पायलट में डिपार्टमेंट ये हो गए इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल। ओके दोस्तों, तो सपोज़ कि आप इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट में फिलअप कर रहे हो तो कौन कौन से ट्रेड अप्लाई कर सकेंगे, तो यहाँ पे देखिए, पहले तो लिखा है एनसीवीटी एससीवीटी एंड द ट्रेड ऑफ द आर्मेचर एंड कोयल वांडर, इलेक्ट्रीशियन, इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक, फिटर, हीट इंजन, इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक, मशीनिस्ट, मैकेनिक डीजल, एमएमवी यानी कि मैकेनिक मोटर व्हीकल, मिल वायराइट, मेंटेनेंस मैकेनिक, मैकेनिक रेडियो एंड टीवी, रेफ्रिजरेटर यानी कि आरएफएम, ये सारे ट्रेड वाले इसमें अप्लाई कर सकते हैं। और नीचे लिखा है 3 इयर्स डिप्लोमा ऑफ मैकेनिकल। ओके, फिर सपोज़ कि आप मैकेनिकल में अप्लाई करते हो तो यहाँ पे भी ट्रेड लिखे हैं कि मैकेनिकल में कौन कौन से ट्रेड आएंगे। इसमें टर्नर एक ऐड हुआ होगा, दूसरे सारे ट्रेड जो इलेक्ट्रिकल में थे वो तो सेम के सेम ही रहेंगे। यहाँ पे सारे ग्रेड दिए हैं, देखिए दोस्तों, यहाँ से ऊपर डेजिग्नेशन दिया है असिस्टेंट लोको पायलट, असिस्टेंट लोको पायलट टेक्निशियल ग्रेड, आर्मेचर कोयल वाइंडर टेक्निशियल ग्रेड, ब्लैक स्मिथ टेक्निशियल ग्रेड। यहाँ पे नीचे दिया है कौन कौन से ट्रेड वाले अप्लाई कर सकते हैं, टेक्निशियल ग्रेड, ब्लैक स्मिथ वर्कशॉप, टूल एंड बुक ग्राइंडर, कौन से ट्रेड अप्लाई कर सकते हैं, सब कुछ लिखा है इसमें। ओके, जैसे कारपेंटर में तो कारपेंटर जिसने किया होगा NCITI वो अप्लाई कर सकेगा। कैन ड्राइवर यानी कि मोटर मैकेनिक MMB किया होगा वो अप्लाई कर सकेगा। इस तरह से बहुत सारे डेजिग्नेशन यहाँ पे दिए गए हैं। कुल मिला के डेजिग्नेशन देखेंगे हम इस बार ALP में तो कितने डेजिग्नेशन होते हैं, देखिए दोस्तों यहाँ पे कुल मिला के कितने डेजिग्नेशन होते हैं, 84 डेजिग्नेशन दिए गए हैं। तो ये बहुत बड़ी वैकेंसी है दोस्तों, ये मौका हाथ से न जाने दीजिए। देखिए यहाँ पे भी दिखा है कि टेक्निशियल ग्रेड वेल्डर, तो वेल्डर वाले क्या, तो वेल्डर ट्रेड वाले भी यहाँ पे अप्लाई कर सकते, जिन्होंने टिग वेल्डिंग किया, मिग वेल्डिंग किया, गैस कटर किया है, उसमें ITI किया है, वो भी अप्लाई कर सकते हैं। ये भी देख लीजिए दोस्तों, फिटर, पेंटर, प्लम्बर, सारे ITI ट्रेड को इन्होंने ले लिया है इस बार रेलवे की इस रिक्रूटमेंट भर्ती में। देखिए ये पूरा PDF आप एक बार RRB की साइट से डाउनलोड कर लेना, और आशा रखता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा दोस्तों। अब आप ALP के जो ये फॉर्म भरोगे तो आप इसमें से मेहनत कहाँ से करोगे, तो हमारी साइट पे अलग अलग ट्रेड के पेपर दिए हैं जो सोल्ड करके दिए हैं, वो भी आप देख सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।